तुमने ये क्या कचरा जमा करके रखा है? डैड, सफाई तो मेड ने की थी ना। मैं तुम्हारे दोस्तों की बात कर रहा हूँ। डैड, ये तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। पता है, इन्होंने ही बिगाड़ा है तुम्हें। मेरी बात तो सुनो, रोहान लोग गए थे सर नसीम के घर। मेरी साइंस कहती कि मुझे ना कुछ नहीं सुनना। मेरी मर्जी में जो भी करूँ, तुम क्यों आ जाती मुझे समझाने के लिए? मेरे ऐसा साथ और मेरे जज्बात की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। सबको अपने नोट्स की पड़ी है। अब क्या मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती अपने नसीम से मिलने? या मेरे खुदा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने मतलबी लोगों को मैं अपना दोस्त समझ रही थी। लेकिन वो नसीम, सुनो, तमीज से नाम लो, होने वाले बहनों ही है वो तुम्हारे। तुमने मेरी कोई बात सुननी है कि नहीं? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और ना जाके कह दो सबसे कि अगर इस जिंदगी में मैं और नसीम एक नहीं हुए ना, तो मरने के बाद भूत बनके तुम सबको डराएंगे। अच्छा अच्छा, आ जाना भूत बनके, मैं भी किसी पीर को बोल के ना तुम्हें बोतल में बंद करवा दूँ। वाह, मरने के बाद भी ना चैन से जीने ना देना हम दोनों को। हम दोनों को ना अलग अलग बोतलों में बंद करवा के समंदर में फेंक देना। मेरे खुदाया, मैं जा रही हूँ, तुम अपनी ओवर एक्टिंग ना कंटिन्यू रखो। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, मैं गुजार लूंगी अपनी बाकी की जिंदगी सरनसीम की यादों में। अच्छा सुनो, क्या है? चाय तो नहीं पीती ना तुम? नहीं। हाँ, मुझे बनानी भी नहीं आती, इसलिए पूछ रही। हुरैन, क्या नाम है लड़की का? हुरैन। क्या, ये कब हुआ? क्या कब हुआ? देखो, मैं उससे तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। तुम मत कराएं। तो क्या मतलब है, तुम उससे फ्लर्ट कर रहे हो? मेरी कैसी बातें करती है यार, तो दोस्त है मेरी। देखो हुमायूं सईद बनने की कोशिश मत करो। उसके घर वालों ने तो उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसी तैसी कर दूंगी तुम्हारी। किससे कंपेयर करना शुरू हो गई अब मुझे? मैं पंजाब पंजाब नहीं जा रहा। तो जाने भी नहीं दूंगी। चल बताया, आप पूछने गए थे कहाँ की तैयारी है? हुरैन का कोई मसला हो गया, हमारे किसी टीचर के साथ उन्हें इश्क लड़ा दिया, वो हल करने जा रहा हूँ। अच्छा, अपना भूल गए? याद करो बचपन में क्या कहते थे, जब भी पूछती थी कहते थे टीचर एनी से शादी करो। वो भी यही कह रहे। झूठ मत बोल, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। अरे हुरैन हमारे टीचर नसीम के बारे में ऐसी कह रही है। पागल कहीं के, तो औरतों की शादी कैसे हो सकती है? अरे अम्मी, नसीम मिस नहीं, मिस्टर है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, शौहर का शौहर, टीचर का टीचर, नंबर भी ज्यादा आएंगे, ये लड़की तो टॉप करेगी। अभी आप रहने दो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, वापस आने वाले। अरे हाफिज, ये लड़का भी ना, ये कहाँ थी पूरा दिन, ना आवाज सुनाई ना लहजा, मर रहा था तुम्हारे बगैर, पता है? मैंने बताया तो था कि मेरे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। लड़का डॉक्टर है, उसका अपना हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल लड़का? बताओ तुम, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? अपने घर वालों को भेजो ना। अरे हमारी अम्मा असली में कहाँ बीमार होती हैं, जो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी पड़े। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करूंगी, मेरा बैलेंस कम हो रहा है। बैलेंस? लेकिन कॉल तो मैंने मिलाई थी। मेरी साइंस कहती है मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे नसीम, बाबा ने मुझे घर में कैद कर दिया है। मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करके ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मेरे नसीम। मैं इस समाज से टकराने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, आप टकराइएगा मत, आप तो जख्मी हो जाएंगे ना वरना। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, ट्रक की नहीं। अच्छा तो फिर टकराने की क्या जरूरत है, मामला बातचीत से भी तो हल हो सकता है ना। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है हुरैन, अब हमें ऐलाने जंग करना होगा। हाँ, अब होगी न्यूक्लियर वॉर और इसमें सब लोग मर जाएंगे। तुम्हारे बाबा को राजी करना बहुत जरूरी है हुरैन, अगर उन्होंने कन्यादान नहीं किया तो हमारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। नसीम, ऐसी बातें तो मत करो वरना सब सेंसर हो जाएगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ हुरैन, कोई भी रास्ता निकालो, या तो तुम बाहर आओ या मैं अंदर आ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मत आइएगा। देखिए मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं घर से बाहर आई तो इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
तुम मुझे भगा के ले जाओ ना नसीम। मेरी एक टांग लकड़ी की है, भागूंगा तो कीले बाहर आ जाएंगी। तो अब क्या करें? मैं कुछ करता हूँ रैन, तुम बस मेरा इंतजार करना और फिकर बिल्कुल मत करना। ठीक है, जैसा आप कहेंगे ना वैसा ही होगा। क्या चल रहा है? स्मगलिंग। अनीस चाय बना के दे रहा है, स्टाफ रूम में सप्लाई कर रहा हूँ और ठीक ठाक मुआवजा कमा रहा हूँ। माय गॉड, तुम क्या समझे हम कोई गलत कारोबार कर रहे हैं? इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल नसीम और हुरियंगा को छोड़ना पड़ेगा। पेट पे लात मार दो शर्फू के जूते समेत, कारोबार बंद कर दो, तुम्हारा क्या जाना है, शर्फू का ही जाना है। तुम्हारा तो जाता नहीं, तुम्हारे पास तो आता है। तुम टैलेंटेड हो, एक जगह दुकान बंद होगी तो दूसरी जगह खुल जाएगी। दूसरी जगह जो तूने दुकान खोली हुई है मोहल्ले में? मैं तो रात की शिफ्ट करता हूँ, तुम दिन में दुकान खोल लेना। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, ये इतनी सारी खबरें आप लोग लाते कहाँ से? ये तो समझदार लोगों के सोचने का काम है, तुम्हारी समझ में तो वैसे ही कुछ नहीं आता। एक बात बता, आर्यन के पक्के दोस्त लगते हो तुम? मुँह तो लगूंगा ना। रैंक का क्या करना है? आपको क्या कम सुनाई देता है क्या? मैं कब से क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहने आया हूँ कि इस हुरैन और नसीम के मसले का कुछ करना पड़ेगा। मास्टरिंग के मालिक तो तुम हो, तुम ही कुछ सोचो। यार, हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना? इसके अलग पैसे हो, वो आप नसीम से ले लेना। अगर तुम चाहते हो कि सर नसीम की सेटिंग किसी और से हो जाए तो मैं इसके लिए औरत बनने को तैयार हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अंदरूनी नहीं बैरूनी बात कर रहा हूँ, बैरूनी। ऐसे एक बात बताओ सर, नसीम शरीफ आदमी है, हुरैन से सच्चा प्यार करते हैं, अगर शादी हो जाती है तो क्या मसला है? सारा मसला नसीम नहीं है। हाय हाय, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहते हो कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए, JIT बिठाई जाए? मोगैम्बो खुश हुआ, इसी बात में 50 में निकालो। क्यों? हर जगह खबर फैलाऊंगा कि बिला वजह रोहान खुश हो गया है। बिला वजह में चल 50। चलो भाई, मैं दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? 50 50 दे रहा हूँ, ये रबड़ भाई मार के निकालेगा। 50 मेरे 50 वापस भी दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं यार ये लोग, ये कितने दे रहे हैं? 50 10 20 30 ठीक है। बस अभी बात सुन जरा। अच्छा तो आप दोनों ने भाग के शादी की थी और आप लोग मेरी मोहब्बत पर पहरे लगा के बैठे। प्रोफेसर साहब, 1000 रुपए का खुला है आपके पास? नहीं। जाएं ला दे। अच्छा लाओ, नोट दो। नोट दो? अजीब हैं आप, मतलब अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगी तो आप मुझे खुला लाकर नहीं देंगे? किसी काम के नहीं है आप। फरजाना बेगम, वैसे एक बात तो बताएं, आज आपका पुलाव खाने का दिल चाह रहा है लेकिन घर में चावल नहीं है, क्या करेंगी आप? मैं बताऊं? आप दाल खाएं। अगर आपने मेरी बेइज्जती की ना तो मैं हुरैन को सब बता दूंगी। अरे धमकी दे रही है मुझे? बताते आपको क्या लगता है, डर जाऊंगा मैं? डरते तो आप हैं, एक लाल बेग से डरने वाली तमिल फिल्मों की हीरोइन हैं आप। फरजाना बेगम, आप भी कमाल करती हैं, मतलब मिसाल दे रही हैं आप हीरोइन की और बात कर रही हैं एक मर्द के साथ, ये कैसे? डरते तो आप औरतों की तरह। वैसे आपको याद है मैं आपको जब मोटरसाइकिल पे भगाने आई थी आप किस तरह छुप के भागकर मोटरसाइकिल पर आ गए थे कि कहीं अब्बा ना देख ले। अब दुआ करता हूँ कि काश अब्बा देख ही लेते तो अच्छा होता। अच्छा तो आप दोनों ने भाग के शादी की थी और आप लोग मेरी मोहब्बत पर पहरे लगा के बैठे, पापा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा वो तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, जो काम आपके नाना ना कर सके बस वो कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मैं भी वही कर रही हूँ जो आपके दादा को करना चाहिए।
अपनी औलाद को संभाल रही हो तो मैं यूं ही बैल की तरह लूल लूल घूमने दूं मैं? आप लोग फिर लड़ रहे ना, अगर आप लोग ऐसे लड़ेंगे तो मेरी प्रॉब्लम को कौन समझेगा? बेटा आपकी प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ मैं, आप एक काम करें जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें, ठीक है? वाह बड़े सादतमंद बाप है आप। अजी सादतमंद तो मैं शौहर भी हूँ, क्यों मेरा कितना ख्याल है और वो रहमान इसको मुझे एक कॉल भी नहीं की। जाए नाखून ही काटते रहेंगे, जाके ला दे मुझे खुला। लाइए। पगली क्या तुम्हें तुम्हें फोटो नहीं ना भेज रहे के तुम डर ना जाओ कि मेरी को मोटी सी नाक और बाल निकले। अरे मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता पगली, लेकिन तुमने तो ना मुझे अब तक अपना एड्रेस भी नहीं दिया तो मैं कैसे पहुंचूंगा? हेलो कार्ड दी, कोई आ गया होगा। यार ये लड़कियां भी कितनी मासूम होती है ना। हाँ भाई ऐसे ही होता है, लड़कियां बहुत मासूम हैं। अब ये सारा कोई देख लेती यार, मतलब उससे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन जब उसको पता चला ना कि उसकी दोस्त भी तुझसे मोहब्बत करती है, उसने सोचे बगैर दिल पे पत्थर रख के मुझे उसका नंबर देखे। और मुझे पता है मैंने कभी गुरूर नहीं किया कि मैं कितना हसीन हूँ। नहीं यार मेरा भाई प्यारा था। ओए इसको मैं कॉल करता हूँ। उठाना अपना फोन। अरे कार्ड जी वापस करता हूँ। रोक, तू उनको हाथ ना लगाई। क्या हुआ है? वो पता नहीं अननोन नंबर है, पता नहीं। साले अबे मेरी बात तो सुन ले। कौन सांप पाले में सांप दोस्त कहता हूँ तुमको मैं। अच्छा मेरी बात तेरे साथ मजाक किया सामने कैमरा हाथ ला दे। मजाक करोगे मास्टर जिंक? मुझे इस तरह रोकने का मतलब मैंने किया क्या? यही तो हम बोल रहे हैं क्या करना चाहते हैं और सच बताइएगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इनसे अब मैं खुद बात करूंगा। आप यहाँ हिस्ट्री पढ़ाने आए हैं या खुद की हिस्ट्री लिखने आए हैं? तुम लोग मुझे धमका रहे हो? हाँ, लेकिन आप धमक नहीं रहे। मैं धमकने के मूड में भी नहीं, और आप लोग मुझे क्यों धमका रहे? आपको हुरैन को छोड़ना होगा। हुरैन को छोड़ने का तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल से शिकायत करके तुम सबको सस्पेंड करवाऊं। आप अभी जानते नहीं है, डैड को कह के ना आपका कोर्ट मार्शल करा दूंगी। ओए अलीजे इसको तो मुझ पे छोड़ दो। नसीम नाम है मेरा, टॉमी नहीं। मेरी एक बात गौर से सुने, ये टॉमी जैसी चीजें होती है ना कि हम सब में मौजूद है लेकिन निकलने पर हवा निकल जाती है और बंदा भाग भाग के आर्यन जैसा हो जाता है। क्या मतलब? आजकल की दुनिया इतनी मतलब ही क्यों हो गई है, हर बात पे मतलब कहते रहते हैं, कुछ बातें इग्नोर भी करनी होती है। लो कर दिया इग्नोर। मैंने और हुरैन ने भागकर शादी करने का फैसला किया और हुरैन राजी। तो फिर आप एक और फैसला भी कर ही ले अपनी रेजिग्नेशन का, इससे पहले आपको यूनिवर्सिटी से जिंदगी करके निकाला जाए। तो आन इसको अपना इंट्रो दें क्या? ये कौन समझ तो आप गए। देखे हमारी फर्स्ट टाइम लास्ट मॉर्निंग है, अदरवाइज हम प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देंगे। हुरैन के अब्बा प्रिंसिपल हैं? मेरे अब्बा प्रिंसिपल।
एक्सक्यूज मी, ओए तुम्हारी अम्मा भी मेरे अब्बा बन गए? नहीं यार, पर तुमने तो कहा था तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। भाई यार मैं ऐसी प्रोब जमाने के लिए बात कर रहा था। ओह गुड 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 मरम प्रिंस, चल चल। तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन लेकिन मैं घर से कैसे निकलूंगी? उसकी फिक्र तुम ना करो, इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारे घर से निकाल के सर नसीम के घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। ओके ओके बाय। क्या हुआ ये? इधर आई। मैं भाग रही हूँ घर छोड़ के। ध्यान से भागना, पैर मुड़ गया ना बहुत तकलीफ होगी। ओके। रोहन वेट कर रहा है कॉलेज। जिंदगी है ख्वाब एक नया मीठा सा, है राग एक नया मस्ती नगर में गुम रहो, इन खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुन